नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थित जेएन मेडिकल के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के चुनाव होने के बाद एसोसिएशन के द्वारा कानून के हिसाब से अपनी पावर का इस्तेमाल किया है, जिसके चलते रेजिडेंट एसोसिएशन के द्वारा स्वतः ही अपने नए अध्यक्ष की नियुक्ति करते हुए अन्य नए पदाधिकारियों को एसोसिएशन चलाने का दायित्व सौंपा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों के चुनाव की तिथि निकल जाने के बाद अब खुद की 11 AR पावर का इस्तेमाल करके रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने अपना अध्यक्ष चुन लिया है। जूनियर डॉक्टरों ने अपने पदाधिकारियों को चुनकर कार्य शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले सितंबर में होने वाले एसोसिएशन के चुनावों की तिथि निकल जाने के बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अब नए पदाधिकारियों को घोषणा करते हुए एक प्रेस वार्ता में RGA पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हमजा मलिक ने जानकारी दी। उनके द्वारा बताया कि कोरोना वायरस के कारण एसोसिएशन के चुनाव न होने के कारण अब RDA के पदाधिकारियों ने नियमानुसार अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। ये लोग चुनाव न होने तक RDA कार्यभार संभालेंगे, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर आसिफ अब्दी वहीं कोषाध्यक्ष सौरभ पाठक को जिम्मेदारी दी गई है। इधर ये सभी लोग एसोसिएशन के कार्य को बखूबी अंजाम देंगे। साथ ही पत्रकार वार्ता में संबोधित करते हुए पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तारिक मसूद साहब द्वारा भी अवगत करा दिया गया है और साथ ही सूची को जारी करते हुए आगे का कार्य नए लोग संभालेंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद काशिफ हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी से। अभी फिलहाल तक मैं जनरल सेक्रेटरी था रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का। कल VC साहब ने मुझे एक कार्यकारिणी प्रेसिडेंट की तरह अपॉइंट किया है रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन जी। RDA अध्यक्ष की तरफ से एक लेटर लिखा गया था VC साहब को कि जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं कोविड की वजह से, तो उसमें RDA की कार्यकारिणी चलती रहे, जो ज़रूरी लोग हैं पद पे जिनकी वजह से RDA का कार्य बाधित ना हो, तो उन ज़रूरी पदों पे 2 पदों के लिए जो है उन्होंने नाम भेजे थे, एक प्रेसिडेंट पे और एक ट्रेजरर पे। तो प्रेसिडेंट पे जो है मुझे अप्रूव किया है। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो प्राथमिकता रहेगी वो यही रहेगी कि जल्द से जल्द RDA के इलेक्शंस हो जाएं और जो जमहूरियत है RDA की रेजिडेंट्स की डॉक्टर्स की वो फिर से बहाल हो जाए। देखिए, RDA जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पिछले साल जो है इलेक्ट होकर के उसके जो नुमाइंदे कार्य के लिए लोगों ने जिनको स्वीकृत किया था, जिनको इलेक्ट किया था, उनमें मैं डॉक्टर मोहम्मद हमजा मलिक और RDA वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर शहनवाज इकबाली और RDA सेक्रेटरी डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर सौरभ पाठक ट्रेजरार और जॉइंट सेक्रेटरी के अहदे पे जो है डॉक्टर ताजीन शमसाद कामयाब हुई थी। तो अब जो है कई लोगों का ऐसा था कि उनका जो है टर्म कंप्लीट हुआ और उनकी जो है जो अहदेदारी उनको जो दी गई थी वो मुकम्मल हुआ। अब जो है मैं कुछ दिन जो है प्रेसिडेंट के अहदे को एक्सटेंड किया, क्योंकि कोविड की वजह से RDA ने लगातार वाइस चांसलर को लेटर लिखा कि आप इलेक्शन करवाइए और जो है डेमोक्रेटिक माहौल को फिर से जो है आम किया जाए, लेकिन कोविड के चलते वाइस चांसलर ने ऐसा नहीं किया, इलेक्शन नहीं हो पाया। तो लगातार कोशिश करने के बाद जब इलेक्शन नहीं हुआ तो RDA ने अपनी स्पेशल पावर RDA कॉन्स्टिट्यूशन 11 AR का इस्तेमाल करते हुए, स्पेशल प्रेसिडेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए हमने जो है डॉक्टर काशिफ को एक्टिंग प्रेसिडेंट और जो कि साबिक सेक्रेटरी RDA के रह चुके हैं उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट और जो ट्रेजरार जो अभी मौजूदा वक्त में थे उनको जो है कंटिन्यू, उनको कहा गया है कि आप कंटिन्यू करिए जब तक कि तब तक इलेक्शन ना हो जाए।